दिग्गज नेताओं का एक एक कर पार्टी छोड़ना और चुनाव के वक्त में पार्टियों से अपना मोह भंग करना, कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये उन राजनीतिक दलों के लिए बड़ा झटका हो सकता है जो सत्ता में यहाँ पर अपना कब्जा करने के सपने देखते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों में मची सियासी भगदड़ की। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की, उस सूची के जारी करने के बाद तमाम विधायक और जिन लोगों की टिकट काटी गई, जिन सिटिंग विधायकों की टिकट काटी गई या फिर पूर्व मंत्रियों की टिकट काटी, वे तमाम लोग यहां पर नाराज नाखुश नजर आए, हताश निराश नजर आए और विधायकों के इस्तीफों की झड़ी लगे। पार्टी पदाधिकारियों ने भी अपनी जिम्मेदारियों से यहाँ इस्तीफा दे दिया। लिहाजा हरियाणा में विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस इसलिए बना हुआ है क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने 31 विधायक प्रत्याशियों की सूची जारी की है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 67 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और बीजेपी में यहाँ पर इस्तीफे हुए, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ थोड़ी चतुराई से काम करते हुए सबसे पहले उन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जो सिटिंग विधायक, यानी कि साफ तौर पर कोशिशें ये की जा रही हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को साधने के लिए तमाम वो कोशिशें की जाए जिससे कि पार्टियों में गुटबाजी ना देखने को मिले और पार्टियों के जो नेता हैं जो मजबूत पकड़ रखते हैं वो दूसरे दलों का रुख करते हुए नजर ना आए। लिहाजा हरियाणा की विधानसभा में यहाँ पर चुनाव को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी चिंतन मंथन के दौर में है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच यहाँ पर जबरदस्त पेच इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापसी करने के यहाँ पर रास्ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी चुनाव तो लड़ रही है लेकिन अभी तक उनका एक भी विधायक हरियाणा विधानसभा में नहीं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि आम आदमी पार्टी उनके लिए एक वोट कटवा पार्टी बनती हुई नजर आ सकती है, इसीलिए सीट शेयरिंग करके तमाम कोशिशें की जा रही है। ऐसे में तमाम जो टीमों का गठन कर दिया गया है, दिग्गज नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी है और वो मौजूदगी कांग्रेस पार्टी के यहाँ प्रदेश संगठन के तमाम नेताओं के साथ बैठक कर रही है और ये चिंतन मंथन हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के कितने चेहरे चुनावी मैदान में उतारे जाए। आपको बता दें कि 5 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 12 सितंबर आखिरी तारीख है जब प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए विशेष नजरें कांग्रेस पार्टी पर टिकी हुई। भारतीय जनता पार्टी में भी यहाँ पर केंद्रीय संगठन जो है उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूत पकड़ देखी जा रही है। केंद्रीय संगठन ही हरियाणा में तमाम वो फैसले ले रहा है जिनके आधार पर विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कि करनाल विधानसभा से उपचुनाव लड़े, उपचुनाव में जीत दर्ज की और उसके बाद उन्होंने इच्छा भी जाहिर की कि वह करनाल से ही विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको लाडवा सीट से यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है और इससे असमंजस की स्थिति में विपक्षी नेताओं ने यहाँ नायब सिंह सैनी को हरियाणा में कटी पतंग बता दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या दुष्यंत चौटाला की, तमाम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने हार कबूल कर ली। नायब सिंह सैनी की करनाल से टिकट काटना इस बात के संकेत देता है कि बीजेपी में इस वक्त बौखलाहट की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की एंट्री के बाद यहां पर पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। रणजीत सिंह चौटाला जैसे दिग्गज चेहरे के पार्टी छोड़ने और कई विधायकों के इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त यहां पर भगदड़ दिखाई दी और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बाहरी जो पार्टियां हैं, जो दूसरी पार्टियों से आने वाले नेता थे, उनको चुनावी मैदान में उतारना कहीं ना कहीं इस भगदड़ जो मची है इसका मुख्य कारण रहा। ऐसे में हरियाणा का राजनीतिक रण जो है वो सज चुका है, योद्धा लड़ाई करने को तैयार है, जंग का मैदान भी तैयार है और अभी 5 अक्टूबर का इंतजार है।
क्योंकि 5 अक्टूबर को आने वाले वक्त में जिस तरीके से प्रदेश में मतदान होने वाला है, 5 साल के बाद जब प्रदेश की जनता अपनी सरकार को चुनने जाएगी तो आखिरकार किसके यहाँ पर चेहरे पर मोहर लगाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि नायब सिंह सैनी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व के नेता पूरी मॉनिटरिंग हरियाणा विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने कमर कस ली है और आगामी दिनों में अब ये जंग और भी तेज होती हुई नजर आएगी। लिहाजा देखना ये होगा कि किस तरीके से यहाँ चुनाव में अपनी अहम भूमिका क्षेत्रीय दल निभाते हुए नजर आएंगे। यदि कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता है तो वोटों का बिखराव काफी हद तक रुक सकता है। कांग्रेस पार्टी सस्पेंस की स्थिति में इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान कुरुक्षेत्र सीट से उन्होंने सीट सेक्रीफाइस करके आम आदमी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया था, लिहाजा डॉक्टर सुशील गुप्ता को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा और अब आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए ये कोशिशें पुरजोर की जा रही हैं कि हरियाणा में बड़ा सियासी परिवर्तन किया जाए। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हरियाणा में फिलहाल देखा जाए तो कहीं ना कहीं अल्पमत की स्थिति से जूझती हुई नजर आ रही है। नायब सिंह सैनी के पास महज 43 विधायकों का समर्थन था, लेकिन पार्टी के यहाँ पर टिकट काट देने से कुछ दिग्गज चेहरे पार्टी से दूर हो गए हैं। ऐसे में जो पलड़ा भारी कांग्रेस पार्टी का दिखाई दे रहा है उसका प्रमुख कारण ये भी है, भाजपा संगठन के कुछ ऐसे फैसले जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं और उनके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी बीजेपी से छिनती हुई नजर आ सकती है। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इसके साथ साथ इन दलों ने गठबंधन करके और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 70 सीटें जननायक जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी मैदान में उतारने वाली। इसके साथ साथ इनेलो की बात करें तो 53 सीटों पर इनेलो के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेंगे, जबकि 37 सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने वाले। ऐसे में चुनावी टक्कर जबरदस्त देखने को मिल रही है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनेताओं के द्वारा चक्रव्यूह बना लिया गया है, एक दूसरे पर जमकर तीर चलाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि रणजीत सिंह चौटाला, राम इंद्रजीत सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की नाराजगी, प्रोफेसर रामलाल शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं की नाराजगी क्या हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का कारण बनती हुई नजर आएंगी, क्योंकि तमाम राजनेता हाईकमान के विरुद्ध बड़े बड़े बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।